हेलो एवरीवन, वेलकम टू माधवीज किचन। ब्राउनी विथ वेनिला आइसक्रीम तो सभी को पसंद आती है, तो क्यों ना आज एकदम बेकरी वाली ब्राउनी हम घर पर बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी एकदम बेकरी स्टाइल में। इस ब्राउनी की एक खास बात है कि इसमें मैं मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बनेगा आटे से और बिना अंडे के, एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट टेक्सचर इसका आता है। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसे दबाने के बाद आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं आगे अपलोड करूँगी। तो आइए शुरू करें ब्राउनी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 8x8 इंच का एक स्क्वायर केक टिन लिया है, इसको लाइन कर देंगे इको बेक से। अगर आपके पास इको बेक ना हो तो आप कोई भी बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली इसे ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इको बेक। इको बेक लगाने के बाद हमें केक टिन को ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इको बेक को केक टिन में लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, एक केक टिन हमारा रेडी हो गया, इसको साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। बैटर बनाना बहुत ही आसान है ब्राउनी के लिए। तो सबसे पहले हम डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, उसे चॉप करके हम इस तरह से डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट कर लेंगे। चॉप करने से ये जो चॉकलेट जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, डबल बॉयलर में इस तरह से चॉकलेट हमारा मेल्ट होने लगा है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, चॉकलेट हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे डबल बॉयलर से हम उतार लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ चॉकलेट हमारा तैयार हो गया है मेल्ट होकर। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और आगे हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, एक बड़े बोल में हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ये बिना फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। डार्क चॉकलेट कंपाउंड में भी चीनी है, तो चीनी हम यहाँ पे 1/2 कप ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, चीनी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा क्रीमी हो जाए। एक चुटकी इसमें डाल देंगे नमक, और कुछ बूंदे वेनिला एसेंस की डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बटर ही यूज़ किया जाता है ब्राउनी में, लेकिन मैं इसमें बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। ये जो दूध मैंने लिया है, ये उबाल कर मैंने ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर तक, और वही दूध मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, चीनी दूध में अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे मेल्ट किया हुआ चॉकलेट जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। चॉकलेट भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसको ये देखिए इस तरह से डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चॉकलेट और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए पहले यहाँ पे एक छन्नी रखेंगे, उसमें हम लेंगे आटा। तो 1 कप और 1/4 कप आटा हम ले लेंगे इसमें, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 4 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। डार्क चॉकलेट कंपाउंड और कोको पाउडर मिलके इस ब्राउनी का टेस्ट एकदम रिच बना देंगे, बहुत ही चॉकलेटी और रिच फ्लेवर आएगा ब्राउनी का। तो सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद अब हमें कट एंड फोल्ड मेथड से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। धीरे धीरे ऐसे हम मिक्स करते जाएंगे, और एक स्मूथ बिना लंप का बैटर हमें बनाकर रेडी करना है। ब्राउनी का बैटर थोड़ा सा थिक होता है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। तो ये देखिए, केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थिक होता है। तो बस बैटर हमारा तैयार है। इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए वॉलनट। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप इसके जगह चॉप किया हुआ काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, वॉलनट को मैंने बैटर में मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा तैयार है, तो बैटर को अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे
तैयार किए हुए केक टिन में, और बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे केक टिन में चारों तरफ। ये देखिए स्पैचुला से अच्छे से इसे स्मूथ कर लूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने बैटर को स्मूथ कर लिया है, और अब इसे डेकोरेट कर देंगे हम थोड़ा सा चॉप किए हुए वॉलनट से। इससे ये और भी प्रेजेंटेबल लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, एकदम बेकरी जैसा। ये केक हम आज बेक करेंगे ओवन में, तो ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई को प्रीहीट कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे 30 से 35 मिनट के लिए कढ़ाई में बेक कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए हमारा जो ओवन है ये प्रीहीट हो चुका है, बैटर को हम इसमें रख देंगे बेक होने के लिए, और टाइम मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट में ओवन में हमारा ये केक बेक होकर रेडी हो जाएगा। हो सकता है आपके ओवन में 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगे या 5 मिनट कम लगे, तो उसी हिसाब से इस केक को बेक कर लेना है। तो ये देखिए 35 मिनट के बाद मैं केक को निकाल ले रही हूँ, केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। केक को एक बार 30 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इसे और बेक कर लीजिए। तो देखिए हमारा कितना अच्छा ब्राउनी बनकर तैयार हुआ है। तो ब्राउनी को अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब ये थोड़ा ठंडा होगा तब इसको केक टिन से हम अलग करेंगे। ये देखिए चेक भी कर ले रही हूँ मैं इसे कि हमारा ब्राउनी अच्छे से पक चुका है अंदर। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ब्राउनी को हम केक टिन से अलग कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा ब्राउनी बनकर हमारा तैयार हुआ है, देखने से ही लग रहा है कि एकदम परफेक्ट ब्राउनी बना है। तो इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। फजी ब्राउनी बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए ऊपर का क्रस्ट भी परफेक्ट बना है और अंदर एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, अंदर का कलर भी एकदम बढ़िया आया है इस ब्राउनी का। ये देखिए बाहर का क्रस्ट भी एकदम परफेक्ट आया है और अंदर एकदम सॉफ्ट टेक्सचर आया है इसका, लग रहा है ना एकदम बेकरी वाला ब्राउनी। तो दोस्तों हमने ये ब्राउनी बिना अंडे बिना मैदा के बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आइए इस ब्राउनी को हम सर्व कर लेते हैं, ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप ऐसे इंजॉय करें या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ इंजॉय करें, दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए इसे सर्व करते हैं वनीला आइसक्रीम के साथ, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट ब्राउनी विथ वनीला आइसक्रीम रेडी है। इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे चॉकलेट सॉस से, और लीजिए तैयार है हमारी ब्राउनी विथ वनीला आइसक्रीम, इसे इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर से हमारी मुलाकात होगी एक नई सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।